वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। एडियम्स में वर्ब एक गुड कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है और अच्छे हमारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं, अल्फाबेटिकली लिए जा रहे हैं ताकि आपको नोट करने में, अपनी डायरी बनाने में बहुत आसानी हो और इन फ्यूचर जब आपको कहीं कोई वर्ड मिले तो यू कैन मैच इट, आप उसे देख सकते हो कि आपने इसको लिखा है और उसका बेस्ट मीनिंग क्या है। और रिवाइज करने में तो बहुत इजी रहता ही है। क्लियर है? चलिए आगे आज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स सीमित साधनों में निर्वाह करना, सीमित साधनों में निर्वाह करना। नोट कर लिया। फिर लिखा है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट टू कॉन्फेस, यानी गलती को स्वीकार करना, अपना ब्रेस्ट क्लियर करना, अपने मन की बात को कहना, मन हल्का करना। तो ऐसे हिंदी में भी हम फ्रेजेस ही लैंग्वेज में, इडियम लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं, मन हल्का करना। तो मतलब ही है कि अपने कॉन्फेस करना यानी गलतियों को स्वीकार करना। मेक अमेंड्स मतलब ही है सुधार करना, टू गिव कंपनसेशन। क्लियर है? फिर लिखा है मेक नाइदर हेड नॉर टेल, ना सर समझ में आ रहा है ना पूछ समझ में आ रहा है। तो सीधा सा अर्थ है कि नॉट टू अंडरस्टैंड या नॉट टू बी एबल अंडरस्टैंड, समझ में ना आना। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है मेक द मोस्ट ऑफ, मतलब किसी चीज का भरसक यूटिलाइज करना, मेक द मोस्ट ऑफ। फिर अगर आता है मेक फेसेस तो हिंदी में ही अर्थ कहते हैं मुंह बनाना। तो जब मुंह बनाना का मतलब ही है चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। डन। फिर लिखा है मेक लाइट ऑफ, तो मेक लाइट ऑफ मतलब किसी को हल्के में लेना, यानी नॉट टू केयर ऑफ, किसी पर बहुत ज्यादा बल ना देना। डन। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, किसी बैड बार्गेन से भी बेस्ट का बनाना, यानी सीधा सा अर्थ है कि खराब वस्तु का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। और ये क्वालिटी हर विनर में पाई जाती है कि बैड सर्कमस्टांसेस से कैसे अपने बेस्ट रिजल्ट को गेन करा सकें। डन है? चल, फिर लिखा है मेक वन मार्क्स, मतलब सीधी सी बात है कोई एक छाप छोड़ना। तो छाप छोड़ना मतलब है टू डू अ प्रेज वर्दी थिंग्स, कोई एक उपलब्धि वाला, प्रशंसा वाला कार्य को करना। डन। फिर लिखा हुआ है मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, मतलब सीधा सा है कि मेक एन एस, अपने आप को गधा बनाना। तो टू एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करना। डन। मूव हेवन एंड अर्थ, आसमान पाताल या जमीन हिला देना, यानी टू मेक एवरी काइंड ऑफ एफर्ट्स, हर तरह का प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना। फिर अगला है मेंड वंस फेंसेस, फेंसेस मतलब चार दीवारी होती है, बाउंड्री होती है, उसको सुधार करना, यानी कि शांति बनाना। अगर आप बाउंड्री गलत है तो डिस्प्यूट्स हो रहा है, आपने बाउंड्री कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, तो इस तरह से आपने उस विवाद को खत्म कर दिया या विवाद समाप्त कर दिया। तो ये कंडीशन आपने मेक पीस, शांति बहाल कर दिया। डन है? गुड। फिर नेक्स्ट है मींस मैटर्स, मतलब किसी बात को खा जाना। तो टू हाइड द ट्रुथ और एंड प्रिटेंड, मतलब सच्चाई को छुपा लेना या फिर बहानेबाजी करना, या आप और का भी यूज कर सकते हैं।
ओके। फिर एन से हमारा है निप इन द बर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ है शुरुआत में ही प्रॉब्लम होना, तो टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग, किसी चीज के शुरुआत में ही समस्या आना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या होता है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सुना है। तो ये उसका आपने इंग्लिश एडियम हो गया, ओके। फिर अगला है पास द बक, तो मतलब है कि दूसरों पे आरोप लगा देना कि मैंने नहीं उसने गलती करी। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है, तो यू पास द बक ऑन समबडी, आपने आरोप किसी और पे लगा दिया, ठीक है। फिनिश है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी ट्रबल्ड वाटर्स में ऑयल लगाना, यानी कि टू पेसीफाई द मैटर, किसी मामले को शांत करना, किसी की बेचैनी परेशानी को शांत करना, काम डाउन करना। फिर नेक्स्ट लिखा है पॉकेट द इंसल्ट, अपमान को सहन कर लेना, टू बियर द इंसल्ट इंसल्ट और कैसे क्वाइटली, बहुत शांति से। डन। पोक वंस नोज, नाक भिड़ाना, ऐसे नहीं बोला जाता है लेकिन बता दिया। तो पोक वंस नोज मतलब है किसी के मामले में इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना, ओके, नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट आपका है पाव द वे, तो ये पाव से आप याद कर सकते हैं, पावमेंट होता है मतलब आपका चबूतरा जिसमें आप पैदल जाते हैं, तो पाव द वे मतलब ही हो गया टू प्रिपेयर द वे, मार्ग तैयार करना। जो हमारे लीडर होते हैं उनने क्या किया, तो पाव द वे ऑफ सक्सेस, पाव द वे ऑफ फ्रीडम, और जिस तरह से आपने कर दीजिए। हमारे अगर गार्जियन की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत सारे पाव द वे करते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए मार्ग तैयार कर देते हैं। एंड वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फॉलो ऑन, बढ़ते जाना है, क्लियर है। हाँ, इन वर्ड की बात करें तो ये जो आपके सामने कलेक्शन है ये भी आपके लिए पाव द वे है, मार्ग तैयार है, बस आप इसको याद कीजिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्लियर करिए और एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स ला करके एक नौकरी हासिल कीजिए, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है पिक होल्स, दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट, ध्यान है टू फाइंड फॉल्ट विद समबडी होता है, इसलिए इसको यहां पर मेंशन किया गया, टू फाइंड फॉल्ट समबडी नहीं, टू फाइंड फॉल्ट विद समबडी, दोष निकालना। फिर ये बड़ा सिंपल है पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटका लेना, तो मुंह लटका लेना, फिर देखिए आपने वही भाषा बोली, यानी एडियम हिंदी वाला, इंग्लिश में क्या अर्थ निकला या हिंदी अर्थ में क्या निकला, तो टू लुक सैड, दुखी होना, ओके डन। फिनिश्ड है पुल वन सॉक्स अप, यानी अपने सॉक्स को अप करना, यानी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना या कठिन परिश्रम के लिए तैयार होना, ओके। फिनिश लिखा है पुल ए स्ट्रिंग्स, रस्सियों को खींचना, तो टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, तो ये स्ट्रिंग्स कठपुतली वाला सेंस लगाना है, तो रस्सी ना निकाल करके आप इसका अर्थ, अगर धागा निकालेंगे मेंटली तो आप बड़े आराम से इसका मीनिंग गैस कर ले जाएंगे। तो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है कि किसी पर अपने प्रभाव को गुप्त रूप से प्रयास करना, ये एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना नहीं, एक्सरसाइज करना किसी कार्य को करना भी होता है, नियम बता दिया है अब आप इसको एक्सरसाइज कीजिए, तो नियम बता दिया मतलब उस कार्य को करिए, ठीक। रिपीटेशन ऑफ एक्शन भी आपका एक्सरसाइज है एंड डूइंग ऑफ एन एक्शन भी आपका एक्सरसाइज है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए इतना डिटेल से पॉइंट बताया जा रहा है, पढ़े आगे। तो लिखा हुआ है पुल वायर्स, तो पुल वायर्स देखिए ये भी आपका एक सीक्रेटली एक्शन है, पुल स्ट्रिंग्स और पुल वायर्स, मतलब सीधा सा है कि आप किसी को लीड कर रहे हैं और कैसे लीड कर रहे हैं, सीक्रेटली, गुप्त रूप से किसी का नेतृत्व
करना। डन। स्ट्रिंग्स को आप कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वायर्स को जो है आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है पे बैक इन वंस ऑन कॉइन, यानी किसी को उसी के सिक्के में वापस करना। किसी ने हमें जो क्वाइन दिया था फॉर द हेल्प और हमने उसको सेम क्वाइन रिटर्न कर दिया, तो मतलब दूसरा एक लैंग्वेज बन जाती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उसने प्रेम से बात किया तो मैंने भी प्रेम से बात किया, उसने मुझसे गुस्से से बात की तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, नॉट टू मेंशन हियर। डन टू इट। गुड। फिर अगला एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी पुराना हिसाब चुकता करना। तो पुराना हिसाब चुकता करना को इनडायरेक्टली अगर समझा जाए तो क्या है, टू टेक रिवेंज, बदला लेना। ओके। फिर अगला है पे थ्रू वंस नोज, यानी नाक से भुगतान करना। तो नाक से भुगतान करना मतलब किसी चीज को बहुत ही महंगा, यानी आपको वो चीज बहुत परेशानी का कारण बना, तो टू पे डियरली। आपने एक कार खरीदी 10 लाख की, उसका इंटरेस्ट अदर चीज देते देते आपको वो 10 का 20 हो गया, तो आपने क्या किया, यू पेड थ्रू योर नोज, मतलब पे डियरली, बहुत महंगा भुगतान हुआ आपके लिए। डन है। फिर लिखा है पे लिप सर्विस, जवानी खर्च करना। तो जवानी खर्च करना मतलब ही है टू बिहेव अनहार्टेडली, जिसको मन से आपने काम किया वो हार्टेडली है, जिसको आपने बेमन तरीके से हाँ भाई आएंगे, हाँ भी आप जब कहेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आपने सिर्फ जवानी खर्च की, यानी कि बातों से खुश करने की कोशिश की। डन है। चल फिर नेक्स्ट हमारा लिखा है पुट वंस हैंड टू द प्लो। प्लो मतलब होता है हल, यानी आपने अपना हाथ जो है किस पे रखा हुआ है, प्लो पर, हल पर। क्या है, टू डू अ वर्क हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, पूरे मन से। तो आप अपने कार्य को पूरे मन से कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कई बार मेंशन कर चुका हूं दिस पाज आर फॉर यू। क्यों होते हैं दिस पाजेस, तो वो इसीलिए होते हैं कि आप नोट कर सकें, यू गेट द टाइम फॉर राइटिंग। फिलिका है पुट हैड्स टुगेदर, तो कई सर मिल करके एक जगह बात पे आते हैं, प्लेयर्स में आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, तो टू कंसल्ट सीरियसली, किसी मामले को गंभीरता से कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना। तो इसके लिए एडियम आता है पुट हेड्स टुगेदर। ओके। फिनिश्ड है पुट अ स्पोक इन अ व्हील, व्हील है उसमें आपने एक बड़ी सी रॉड डाल दिया, तो क्या होगा, व्हील मूव कर पाएगा नहीं, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये आपने उस रॉड ने क्या काम किया, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधा डाल दिया। तो पुट अ स्पोक इन अ व्हील का मतलब है किसी मामले में बाधा डाला। फाइनेंशियल क्राइसिस, पुट अ स्पोक इन द व्हील ऑफ जो भी आप, ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल बना दिए। फिर ये भी बड़ा बेस्ट है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हम जानते हैं कि कार्ट में, कार्ड की पोजीशन ये होती है और हॉर्स की पोजीशन ये होती है, और अगर हमने उल्टा कर दिया, हॉर्स को बाद में रखा और कार्ड को पहले रखा, तो क्या इसे पुल हो पाएगा उसे, हॉर्स से, क्योंकि जब कार्ड आगे है तो वो पुश की पोजीशन पे और उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। तो वही आपने किया, क्या किया, टू डू रॉन्ग थिंग्स फर्स्ट, यानी गलत कार्य को पहले करना, या और आगे कह सकते हैं कि गलत तरीके से आपने कार्य को किया। क्लियर है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये आ रहा है, जितने इसमें से आपको बहुत इजी लगे, कि ऐसे लगे कि ये आपको ऑलरेडी आता है,
तो आप कमेंट में इनके मेक सेंटेंस करके टाइप कर दीजिए, और जितने ज्यादा रिप्लाई मिलेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि आपकी नॉलेज और बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। हाँ, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर आज कहना पड़ रहा है, तो उसको आप जो है प्रमोट करिए, क्योंकि आपके प्रयास और होते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।